मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश के पैसे वापस दो वापस दो वापस दो। अडानी को लगा के क्लियर करने का काम किया, देश का जनता नहीं छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं साहल कुरैशी। अडानी को लेकर आज देश भर में कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, दिल्ली में, अहमदाबाद में, हर जगह, पूरे देश में, हर जगह पर युवा कांग्रेस ने और इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और कांग्रेस के नेताओं की मांग भी जायज थी, क्योंकि अडानी का जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो ढलान पर से नीचे खिसकना शुरू हुआ, LIC का जिस तरीके से पैसा डूबना शुरू हुआ, उसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि तमाम ही जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो ED है, सेबी है, CBI है, ये तमाम जो है वो रिमोट कंट्रोल से चलती है, वो मोदी के जो करीबी लोग हैं उनके खिलाफ ये काम नहीं करती है, ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का। और उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने देश भर में अलग अलग जगहों पर अडानी के खिलाफ, अडानी के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया और कई जगहों से तस्वीरें आई कि कांग्रेस पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन था उसको कुचलने की कोशिश की गई। आप इन तस्वीरों को भी देखिए किस तरीके से ये कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं VB श्रीनिवास, इन्हें पुलिस किस तरीके से घसीट रही है, ये आप देख सकते हैं। ये आप मांग नहीं कर सकते हैं, ये जो है इस देश के अंदर ये लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक देश है, ये ऐसा लोकतांत्रिक देश है कि यहां पर आप अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्ज नहीं करा सकते। अगर आप विरोध प्रदर्शन कराते हैं दर्ज, तो इसी तरीके से पुलिस आपको घसीट कर खींच कर ले जाएगी। ये मायने नहीं रखता कि आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या कौन है। दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिरकार अडानी ने जो कर्ज लिया और जो सवाल अडानी पर उठ रहे हैं, आखिरकार है क्या ये मामला, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, तमाम चीजें समझ में आती है हमें, लेकिन पैसा डूबा किसका ये अब तक कई लोगों को नहीं पता। तो हम आपको बताते हैं कि अडानी जो कि दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति थे, वो अचानक दुनिया के टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर हो गए। अब दुनिया के टॉप 20 जो अमीर हैं उसके अंदर अडानी का नाम नहीं है। अडानी के शेयर लगातार गिरते चले गए, बड़ा नुकसान अडानी को हुआ, इसके अलावा मार्केट में अडानी की क्या हालत, तो ये सभी देख रहे हैं। तो ऐसे में ये जानते हैं कि आखिरकार, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार इसको लेकर न्यूज बनाई थी और मैंने कहा था कि ये चलन इस देश के अंदर कि देश की संपत्ति को देश की जनता के पैसों से बैंक से लोन लेकर खरीदा जाता है। यानी कि मान लीजिए अडानी साहब को NGC खरीदनी है, तो वो किसी बैंक से, सरकारी बैंक से लोन ले लेंगे, 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, वो ONGC खरीद लेंगे, उनकी जेब से पैसा नहीं जाएगा। सरकार की संपत्ति, जनता की संपत्ति, वो सरकार के पैसों से, जनता के पैसों से ही खरीद लेते हैं। और उसके बाद में फिर किस तरीके से कर्ज माफ किए जाते हैं, किस तरीके से भाग जाते हैं लोग। अडानी के एक समधी है, वो तो खुद भाग कर बैठे हुए हैं कहीं विदेश में, तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है उनके ऊपर। तो ये जो तमाम चीजें हैं, तो ऐसे में अडानी पर कर्ज कितना है, अडानी ने बड़ी बड़े एयरपोर्ट्स ले लिए, बड़ी बड़ी चीजें खरीदी और कॉन्ट्रैक्ट पे लिए तमाम चीजें, ये किन के पैसों से हुआ। अडानी के जो शेयर डूब रहे हैं, अडानी जो दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर से सीधे 20 नंबर के बाहर हो चुके हैं, तो किसका पैसा उस पर लगा हुआ है, अडानी ने किसका कर्ज लिया हुआ है, वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, SBI का 27,000 करोड़ रुपया अडानी ने कर्ज लिया है। जी हाँ, SBI से 27,000 करोड़ रुपया लिया है अडानी ने कर्ज के तौर पर। और यकीनन ये पूरा कर्ज मेरे ख्याल से 2014 के बाद का होगा, जब मित्र आकर बैठ गए कुर्सी पर, तो फिर कहना ही क्या था। उसके अलावा PNB पंजाब नेशनल बैंक का 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज अडानी ने लिया हुआ है। उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का 5,500 करोड़ का, यानी कि 5,500 करोड़ का कर्ज जो है वो अडानी ने
बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया हुआ है और सबसे बड़ी रकम जो डूब रही है, जिसको नुकसान हो रहा है, वो है LIC का एक्सपोजर। LIC से जो कर्ज लिया है वो 36,474 करोड़ रुपया है, यानी 36,500 करोड़ रुपया LIC का कर्ज जो है मान लीजिए अदानी पर चढ़ा हुआ है। ये तमाम पैसा फिलहाल कहां है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आरोप ये लगे कि सरकार ने सरकारी कंपनियों पर दबाव बनाया कि वो अदानी में अदानी के शेयर खरीदें या अदानी के साथ में जो भी डील करनी हो करें। ये प्रेशर बनाया गया, ये दबाव बनाया गया, ये आरोप कई तरह के नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा आखिरकार कैसे गया, क्योंकि इतनी बड़ी रकम आप देखिए, 36,000 करोड़, 27,000 करोड़, 7,000 करोड़, 5,500 करोड़। जब अदानी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक माइनिंग का जब कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, उस वक्त SBI से ली हुई उनकी 6,000 करोड़ की लोन या 66,000 करोड़ कुछ लोन थी, जो शायद 6,000 करोड़ की लोन, वो काफी सुर्खियों में रही थी। तो अब सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि राहुल गांधी ने हमेशा वक्त ब वक्त ये बातें बताई और कहा कि मोदी जो है वो अपने मित्रों की सरकार चला रहे हैं, अपने मित्रों की जेब भर रहे हैं, अदानी अमीर होते जा रहे हैं। ये तमाम चीजें राहुल गांधी ने और विपक्षी पार्टी के नेताओं ने, खासकर राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा ये आरोप लगाए थे, और उसके कुछ ही महीनों के बाद देश की जनता ने देख भी लिया कि राहुल गांधी के आरोप कहीं ना कहीं सही और सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिरकार SEBI से, ED से, CBI से जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि अब ये जो जांच का मामला, इसके अंदर विपक्षी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता अगर बोलते थे कि जांच कराइए तो अलग बात रहती थी, लेकिन जो एक बहुत खास अरविंद पनघड़िया जो थे नीति आयोग के प्रमुख, जिन्हें बनाया था नरेंद्र मोदी साहब ने, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि सरकार SEBI से इस मामले की जांच कराए। जी हां, कि जो मोदी के गुडबुक में थे अरविंद पनघड़िया, उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच SEBI को करनी चाहिए, SEBI को होना चाहिए कि वो अदानी के ग्रुप के जो शेयर डूब रहे हैं, ये तमाम चीजें जो हो रही है उसको लेकर अदानी एंटरप्राइज के अधिकारियों से बातचीत करे, उनसे पूछताछ करे और जनता को बताए कि आखिर क्या हुआ है। यानी सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं, जो नरेंद्र मोदी की गुडबुक में रहे हैं जो अरविंद पनघड़िया, उन्होंने भी ये बात कही है। हालांकि कुछ और बातें भी उन्होंने कही, और ये भी हकीकत है कि 1982 में इस दौर से धीरू भाई अंबानी रिलायंस के वो भी गुजर चुके हैं, क्योंकि 1982 में उनके शेयर की कीमत, जब उनका शेयर 10 रुपए से शुरू हुआ था और वो शेयर पहुंचते पहुंचते जब 50 रुपए पहुंच गया, तो उसके बाद कलकत्ता में बैठे हुए कुछ मार्केट के कुछ खिलाड़ी थे शेयर मार्केट के, उन्होंने कुछ सोचा कि हम अदानी को गिरा देते, उसके पीछे कौन लोग होंगे क्या होंगे वो हमें नहीं पता, तो उन्होंने सोचा, अब अंबानी की बात करें, माफ कीजिएगा, कि अंबानी को गिरा देते हैं। तो उन्होंने कुछ उल्टा सीधा शेयर बाजार में शॉर्ट सेलिंग वगैरह शुरू किया, तो उस वक्त धीरूभाई अंबानी हरकत में आए, उन्होंने पूरी दुनिया के कुछ लोगों से कांटेक्ट किया, और जो अंबानी के जो शेयर गिर रहे थे रिलायंस के, तो उस वक्त क्योंकि जो वित्त मंत्री हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने संसद में खड़े होकर किसी शाह का नाम लिया, तो कहा था कोई शाह है जो विदेश में है, जिसने इस पूरे मामले को लेकर 22 करोड़ रुपया 1982 में इन्वेस्ट किया था धीरूभाई अंबानी की कंपनी के अंदर, वो 22 करोड़ रुपया उससे बड़ी रकम हुआ करती थी। बहरहाल उस बड़ी रकम के इन्वेस्ट होने से धीरूभाई अंबानी के और रिलायंस के जो शेयर थे वो गिरने से बच गए। गिर कर वो शेयर एक वक्त था कि 131 पर पहुंच गए थे पहले बढ़कर, और उसके बाद में जब गिरना शुरू हुआ तो वो शेयर 110-120 रुपए के पास आ गए थे। लेकिन जब पूरी दुनिया के लोगों से धीरूभाई ने बातचीत की और तमाम चीजें हुई, तो फिर रिलायंस के शेयर आपस से बढ़ने लगे, और जो कलकत्ता में जो लोग बैठे हुए थे उनको मुंह की खानी पड़ी। हालांकि उस वक्त भी ये हुआ था कि तीन दिन तकरीबन शेयर बाजार को बंद रखना पड़ा था। तो ये तमाम चीजें हमारे भारत के लोगों को याद रखनी चाहिए, देश के युवाओं को खासकर इन बातों को याद रखना चाहिए कि पहले का इतिहास क्या रहा है, और क्या दोबारा वो इतिहास दोहराया जा रहा है, दोबारा इतिहास को दोहराया जाएगा, क्या एक बार फिर से कोई बड़ा ऐसा माथा खड़ा होगा जो अदानी को बचाएगा जैसे धीरूभाई अंबानी को बचाया था पहले, और क्या सरकार कोई बेल आउट पैकेज देगी। दूसरी तरफ यह भी है कि कई सुगबुगाहट हो रही है, कुछ खबरें ये आ रही है कि साउथ के कोई बड़े बड़े मंदिर हैं कई, जिनकी लाखों करोड़ों रुपए की उनके पास में संपत्ति है, शायद वो तमाम अब हिंदुत्व के नाम पर बाहर आएंगे, और सरकार का अगला कदम, सरकार की अगली नजर हो सकता है मंदिरों के उस पूरे माल जखीरे पर हो कि वो निकाल के आए, मंदिर भी अब शायद बैंक की तरह लोन देना शुरू कर दें, यह भी हो सकता है।
हो सकता है आने वाले वक्त में हमें यह भी नजर आने लगे। ये तमाम चीजें दोस्तों, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब नुकसान हुआ तो नुकसान अदानी का नहीं, देश का हुआ, देश की जनता का हुआ, गरीबों का हुआ। क्योंकि होता यही है कि अदानी ने मान लीजिए अलग अलग जगह पे LIC वगैरह का पैसा वगैरह जो लगाया है, जो भी चीजें हुई, तो अगर कहीं शेयर अदानी का टूटता है अदानी की किसी हरकत की वजह से, तो LIC के जो शेयर ग्राहक हैं, जो बेचारे गरीब भी होंगे, मिडिल क्लास के भी होंगे, उनका जब अदानी का शेयर टूटता है तो वो उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम चलता है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या है, आखिरकार मोदी क्यों खामोश है, कांग्रेस को इतना जगह जगह धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, कांग्रेस जो मौजूदा बजट सत्र चल रहा है संसद का, पार्लियामेंट का, उसके अंदर भी कांग्रेस लगातार अदानी का मुद्दा उठा रही है, लेकिन बार बार संसद को स्थगित कर दिया जा रहा है, संसद में कार्रवाई चलने ही नहीं दी जा रही है। तो आखिरकार ये क्यों करना पड़ रहा है मोदी जी को, ये भी सवाल उठ रहा है, मोदी जी खामोश क्यों हैं, ये तमाम चीजें कई सवाल खड़े कर रही है। मोदी जी आप कुछ न बोल पाए तो कम से कम आप यही कह दें, जैसे आपके मंत्री ने कहा था, मैं प्याज नहीं खाती हूं इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता प्याज की कीमतें कहां जा रही है उससे। तो मोदी जी आप भी ऐसा कुछ कह दीजिए कि मैं तो बाबा हूं, मैं तो बैग लेके चली जाऊंगा, जो मैं पहले बोल चुका हूं कि बैग लेके उठ जाऊंगा, तो आप भी बोल दीजिए कि मैं तो सीधा आदमी हूं, मैंने तो शेयर बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया है इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रधानमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं, आने वाले वक्त में कुछ अच्छी उम्मीद भी अदानी के लिए आ सकती है, यह भी हो सकता है, या फिर यह भी सवाल है कि क्या अदानी भी जो है वो अब अनिल अंबानी की राह पर चल पड़े हैं, बिल्कुल कर्ज में डूबकर बिल्कुल वो भी क्या खत्म हो जाएंगे। ये तमाम कई चीजें जो है वो इस वक्त देश के जनता के, देश के युवाओं के जहन में उठ रही है। अदानी नंबर 3 पे आ रहे हैं, नंबर 20 पर जा रहे हैं, ये सब आना जाना चलता रहेगा, लेकिन देश का युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, देश का युवा एग्जाम देने जाता है तो पेपर लीक होने की खबर सुनकर उसका पेपर कैंसल हो जाती है परीक्षा, उसके बाद वो युवा परेशान हो जाता है, 2 साल की उसकी मेहनत पानी में चली जाती है। ये तमाम चीजें चलती रहती है और चलती जाएंगी जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, जब तक आप खुद भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाकर खड़े नहीं होंगे, तब तक ये तमाम चीजें, ये तमाम प्रक्रिया चलती रहेगी। आप खामोश मुख दर्शक बनकर देखते रहिए, अपनी आने वाली जो पीढ़ियां होगी वो आपको अच्छे से कोसेगी, हमारे बाप ने कुछ नहीं किया, हमारे चाचा ने कुछ नहीं किया, क्या आप चाहते हैं कि आने वाली नस्लें आपको कोसने लग जाए, ये फैसला आपको खुद करना है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।